कितना ज़्यादा विकास हुआ। मैं तो आंकड़े पे विश्वास करता हूँ, लिखा पढ़त में लगभग 50,000 करोड़ के कार्य लखनऊ के विकास में उनके कार्यकाल में पिछले 2 साल। आउटर रिंग रोड जो हमारी बन रही है, जो नवंबर या दिसंबर तक हर हालत में चालू हो जाएगी। अभी कल भी उसकी एक रिव्यू मीटिंग थी एनएचआई के पास अधिकारियों के साथ। लगभग 2 ही जगह फंसा हुआ है, एक तो आपका काम उसकी गर्डर भी आ गए हैं सीतापुर वाला, और दूसरा महानगर वाला, वो काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और उसकी टेंडर भी दे दी गई है। और इस अगला चुनाव जो अपना जो है 2024 उसके पहले जो है ये चालू हो जाएगा। तो जाम का पहले तो समस्या लगभग से खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि बड़े बड़े वाहन अपने अपने जहाँ जिस स्टेशन पर जाना है वो अपना वहाँ निकल जाएंगे। अब विकास की बात करिए तो माननीय रक्षा मंत्री जी ने अपने कार्यकाल में कभी किसी ने कल्पना की थी कि लखनऊ में प्रमोस मिसाइल की फैक्ट्री बनी या डीआरडीओ की लैब आएगी। सारा साउथ चलता है। एक बार उन्होंने मुझको फोन किया कि राजेंद्र जी आउटर रिंग रोड चालू, तो मैंने कहा था बहुत जल्दी 1 नवंबर तक, क्योंकि तुमको हमको गिफ्ट देंगे। और गिफ्ट में 15 दिन बाद ही प्रमोस मिसाइल की बात, हम लोग को याद है हम दिवाकर त्रिपाठी जी से जो उनके सांसद प्रतीक हैं अवनीश अवस्थी जी ने बुलाया और जो डीआरडीओ के डायरेक्टर थे वो आए थे केस मिश्रा जी। उन्होंने कहा कि एक जगह चाहिए और वो भी फ्री ऑफ कास्ट चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से। तो अवनीश अवस्थी जी से बात हुई, अवनीश अवस्थी जी के साथ 7 बजे हम दिवाकर त्रिपाठी जी और उनकी टीम ये लोग वहाँ पटगाँव एक गाँव है वहाँ पर देखने के लिए गए। और कल्पना करिए 7 बजे हम लोग गए और 10 बजे लौट के मुख्यमंत्री जी के सामने महाराज जी के सामने रख दिया गया और स्वीकृत हो गया। उन्होंने प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया और वो जो है 1 रुपए में लीज करके उसकी रजिस्ट्री होकर आज उसकी बाउंड्री वॉल तैयार है। अब इतने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं, चाहे 12 फ्लाईओवर स्वीकृत हो चुके हैं चालू हो गए हैं, अभी जुलाई से लेकर के नवंबर दिसंबर के बीच में आपको ये मुंशी पुलिया वाला है, ये जो खुर्रम नगर वाला है उसको आगे एक्सटेंड कर दिया गया है, कल्याणपुर की तरफ कर दिया गया है, विक्टोरिया स्ट्रीट वाला आप देख ही रहे हैं, उसके आगे जो है हम लोग चिड़ियागंज हॉस्पिटल से जो है वो भी तैयार है, बंगला बाजार वाला है, एयरपोर्ट जाने के लिए आप देख रहे हैं जल्दी से तैयार हो गया। और अभी 7 ऐसे जो हैं आरोपी या वो जो है वो पाइपलाइन में है और बहुत ही जल्दी उनका शिलान्यास और कुछ का उद्घाटन भी होने जा रहा है। तो ऐसा हम लोगों का विश्वास है। वास्तव में रक्षा मंत्री जी जब भी बात करते हैं तो हालचाल लेने के बाद पहले उनको लखनऊ की चिंता रहती है और अटल जी के जो सपनों को साकार करने का काम किया, तो मैंने एक ही लाइन में आपको बताया कि वास्तव में पूरे भारतवर्ष में मेरा तो चैलेंज है कि इतना किसी भी सांसद ने अपने क्षेत्र में शायद ही विकास किया हो सकता है बिरले कोई हो। और लखनऊ की जनता का इतना प्रेम स्नेह उनको है, अभी आपने निकाय चुनाव में देखा 80 बार से जीते और मेयर जीती वो भी रिकॉर्ड वोटों से 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीती। आपका आलमनगर स्टेशन, रेलवे स्टेशन, चारबाग का दूसरी टी ट्रांसपोर्ट नगर का स्टेशन, गोमती नगर वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आपका जो है स्टेशन, ये सब जितने हैं आपको सतह में दिखाई देने लगेंगे अगले नवंबर दिसंबर। आप सांसद भी आ रहे हैं और लखनऊ के प्रति अपनी जिम्मेदारी की राजनाथ जी रक्षा मंत्री देश के देश देखना है पूरा, और आप लोग भी आ रहे हैं पूरा लखनऊ को कैसे क्या, अभी 1 साल बचा चुनाव हुआ, क्या लखनऊ की जनता को सौगात देने वाले हैं आप लोग कि जिससे लोग कहेंगे आज एक ऐसा सांसद जो आज ऐसा कर। देखिए लखनऊ के जन जन में राजनाथ जी तो सबको प्रेम स्नेह करते ही, लेकिन उतना ही उनकी जनता भी उनको प्रेम स्नेह करता है। अभी मेरी पत्नी से बात हो रही थी तो हमने उनको थोड़ा सा छेड़ा, हमने कहा जो बीजेपी है वो कुछ काम हमने बताया कि रोज़गार के बारे में या कहीं कोई चीज़, तो वो हमसे खुद ही झगड़ा कर बैठी। तो ये मानसिकता जो समाज के अंदर है ना कि भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी जी माननीय मोदी जी और यहाँ के चूँकि वो हमारे सांसद हैं उनके प्रति जो प्रेम स्नेह है, आपको पूरे देश में शायद ही कोई ऐसा राजनेता होगा, कभी आपकी उनकी आप भ्रात्मक कोई आपकी उनकी स्पीच नहीं सुनी होगी। वो सदैव एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं कि जो भी काम है मैं उसको करने का प्रयास करता हूँ, मैं उसकी गारंटी नहीं लेता हूँ। हम लोगों से जब बातचीत होती है तो बड़े जैसे छोटा भाई कोई बात करता ना बड़े भाई से, तब कहते हैं भाई साहब थोड़ा सा लोगों के मन में बहुत ज़्यादा कहते नहीं ये बताओ कि रक्षा मंत्री नहीं भाई ये बताओ मैं
कि एज ए MP हमको कितना पसंद करते हैं। हमने कहा भाई साहब आपको अटल जी के बाद आप ही को देखते हैं और अटल जी की प्रतिमूर्ति आपके अंदर देखते हैं, इतना सहृदय लोगों के प्रति स्नेह करने वाला, अब वो जैसे किसी को कुछ बना दिया तो वो ये नहीं कहते कि हमने कर दिया, वो कहते ये तो इसका भाग्य था। आप देखिए अभी सुषमा खरकवाल जी का नाम आप जानते थे, कार्यकर्ता थे और मेयर बन गए, मुकेश शर्मा जी MLC बन गए, अंजनि श्रीवास्तव जी को कार्यकर्ता से टिकट मिल गया, रजनीश गुप्ता जी को टिकट मिल गया, योगेश शुक्ला जी, इन लोगों ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि हम कभी विधायक भी बन सकते हैं। और ये बात खुद कहते हैं, जिस समय मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था उस समय कभी हम लोगों ने कल्पना की थी क्या कि हम यहाँ के सभासद भी बन पाएंगे। तो कार्यकर्ताओं का उनका स्पष्ट संदेश है, काम करो, फल की चिंता मत करो, फल संगठन करेगा, उसकी चिंता वो करेंगे और वो करते भी हैं। सतह भी दिखे ये थे हमारे साथ सांसद PRO राजेश शुक्ला जी, जिन्होंने बेखूबी लखनऊ डेवलपमेंट को लेकर जवाब दिए कि हम लखनऊ को उत्तम लखनऊ बना कर देंगे और 9 साल बीत गए, अच्छे कार्य ने फ्लाई ओवर बनाया है,